जनाब, जेवर एयरपोर्ट का असर देखिए। अभी तक अगर हम यमुना अथॉरिटी की बात करें तो इसमें लगभग 96 विलेजेस यमुना अथॉरिटी के अंदर आते थे, लेकिन अब इसका नंबर, इसका स्तर बहुत जल्द इंक्रीज होने वाला है। आपको ये बता दें कि जो गौतम बुद्ध नगर का एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, तो उसके 29 विलेजेस और इस यमुना अथॉरिटी के माध्यम से इसमें एज अ स्मार्ट विलेजेस लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन, उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आप जरूर दूर दूर तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए, जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर खास अपडेशन यमुना से रिलेटेड इस चैनल पे मिलती रही है और मिलती रहेगी। जनाब, अगर हम बात करें यमुना अथॉरिटी की, तो इस बार 29 मोर स्मार्ट विलेजेस, जी हाँ, इस लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से लिए जाएंगे। अगर हम बात करें स्मार्ट विलेजेस की, तो अभी फिलहाल के लिए मात्र 7 विलेजेस जो एज अ स्मार्ट विलेजेस जिसपे काम चल रहा है, वो कौन कौन से हैं मैं उसके नाम आपको बता देता हूं। लेकिन आपको बता दें कि जो डीपीआर है, रिमेनिंग आगे के 8 विलेजेस की, वो भी तैयार हो गई है और टेंडर प्रोसेस इसका बहुत जल्द शुरू होगा और काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो 7 विलेजेस हैं जो लास्ट ईयर जिसका काम शुरू हुआ था, उनका नाम है, आप नाम सुन लीजिए, पहला रामपुर बंगर, दूसरा अचेजा बुजुर्ग, फिर मिर्जापुर, फिर निलोनी शाहपुर, फिर सलरपुर, फिर रुस्तमपुर और लास्ट है आपका डूंगरपुर रिलखा। तो जनाब, आपको ये बता दे कि और जो डिटेल रिपोर्ट आगे के 8 विलेजेस की, उसकी भी यमुना अथॉरिटी की तरफ से तैयार हो गई है। अगर हम उन 8 विलेजेस की बात करें, तो वो 8 विलेजेस है, उनके नाम भी आप सुन लीजिए। पहला औरंगपुर, दूसरा गुनपुरा, तीसरा अट्टा गुर्जर, चौथा दनकौर, पांचवा मुजखेड़ा, छठा खेरली भाव, सातवा छपड़गर, आठवा रोनेजिया। ये 8 विलेजेस, जी हाँ, आपको ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसका बहुत जल्द काम शुरू होगा। टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। पर जनाब, बात ये होती है, जो स्मार्ट विलेजेस हम कह रहे हैं, आखिर स्मार्ट विलेज होता क्या है? सबसे पहला आपको ये बता दे, जो कोई भी एक स्मार्ट विलेज, वो विलेज होता है जिसके अंदर प्रॉपर सीवरेज, प्रॉपर रोड, प्रॉपर ड्रेन वाटर की फैसिलिटी और साथ में कम्युनिटी सेंटर का प्रावधान किया जाता है। अगर हम खर्च की बात करें, तो जनाब इसमें लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है और नेसेसरी फैसिलिटीज हर एक विलेज में वो दी जाती है, उसे कहा जाता है स्मार्ट विलेजेस। अगर जनाब इसकी हम तुलना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से करें, तो आपको बता दे, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, उधर के एरिया में भी स्मार्ट विलेजेस बनाए जा रहे हैं। और अगर हम पहला फर्स्ट फेज की बात करें, तो उसमें लगभग 14 विलेजेस एज अ स्मार्ट विलेजेस की बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि मीचा विलेज से किया गया है। जनाब, आपको ये बता दे, आने वाला भविष्य और आने वाला वक्त, जिस रफ्तार से यमुना एक्सप्रेसवे एरिया का चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा भविष्य होगा, चाहे हम किसी भी सेगमेंट में बात करें। क्योंकि जिस तरीके से वेल प्लान चीजें चल रही हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही इसमें फैक्टर रोल अदा करती है, बजट बहुत ही अच्छा 157 करोड़ का स्मार्ट विलेज इसके लिए भी बनाने के लिए आ गया है। तो जनाब, आने वाला वक्त आपको शॉर्ट में ये कहेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे या यमुना अथॉरिटी का एरिया या कोई भी लगा एरिया, जो एक प्रॉपर प्राइवेट बिल्डर है, जो कि अप्रूव प्रोजेक्ट है, आप कहीं पे भी जाए, पैसा यहाँ पे एप्रिसिएशन के साथ आपको खिलता हुआ दिखाई देगा। बस मेरी ये सजेशन है, अनऑथराइज चीजों से और अनऑथराइज प्रोजेक्ट से दूर रहे, हमेशा सेफ जगह इन्वेस्ट करे और
इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। हर खास अपडेशन मैं आपको देता रहा हूं और देता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने चाहने वालों तक, ताकि आपको भी एहसास हो और दूसरे इंसान को भी एहसास हो कि मेरा लगा हुआ जमा पूंजी का पैसा कितनी अच्छे तरीके से, कितने वेल प्लान तरीके से, अच्छी सुविधाओं के साथ खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ट्विटर या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। बस यही कृपा रखिए और हमारा मनोबल बनाए रखिए। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नया लेटेस्ट अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।